और रिलीफ भी तकलीफ भी। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी 12 रुपए 50 पैसे सस्ती हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को यकसर मुस्तरद कर दिया। एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 112 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर में 256 रुपए इजाफा किया गया है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1323 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 983 रुपए बढ़ गए। नई कीमत का इतलाक हो गया। उधर ओग्रा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी भी सस्ती हो गई। कीमत में 12 रुपए 50 पैसे कमी कर दी गई, जिसके बाद कीमत 72 रुपए फी लीटर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी जल्द कीमत कम होने का इम्कान है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी पर तेल न खरीदने का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करे। कोरोना से पैदा शुदा गैर मामूली सूरत हाल में तेल की कीमतों में मजीद कमी करके आवाम को सहूलत दी जाए। माशी पैकेज या रिलीफ नहीं तो कम अज कम तेल की कीमतों का फायदा तो आवाम तक पहुँचाया जाए।